हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी कस्ता मछली। ये मैंने ली मैदा 500 ग्राम मैदा, ये मैं पूरे मैदा ले लूंगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने मैदा ले लिए, ये 3 पाव के लगभग मैदा है, यानी 750 ग्राम। मैंने आधा किलो पैकेट के अलावा एक कटोरी मैदा और डाली। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच के लगभग अजवाइन है, 1 चम्मच नमक और ये जीरावन पाउडर है। ये मार्केट में आपको इजीली मिल जाएगा जीरावन पाउडर करके। इसको आप किसी भी मठे में, पूड़ी परांठे में बहुत अच्छी लगती। इसमें सौंफ का सबका मिक्स है, काली मिर्च वगैरह से। इन सबको हम इसमें डालेंगे, इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इससे हमारी जो मठरी का फ्लेवर है ना, एकदम मसाले का फ्लेवर आएगा। इसमें सभी है, कसूरी मेथी वगैरह सबका पाउडर है एक तरह से। अभी मैंने लिया 1 पाव के लगभग ऑयल। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक हमारा आटा अच्छे से बनने नहीं लग जाए। हमारा आटा ऐसे बनना चाहिए, अभी ये ऐसे हमारा आटा बन जाना चाहिए। इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए, ये हमारा आटा अच्छे से बन गया। ये एकदम हमारा आटा मोइन बराबर है। हमने जितना क्वांटिटी लिया है उस हिसाब से हमें तेल लेना। मैंने तेल थोड़ा इसमें बचा दिया क्योंकि मैंने 3 पाव के, अगर आप 1 किलो मैदा ले रहे हैं तो आप पूरा 1 पाव ऑयल लीजिएगा, 1 कटोरी करके। ये देखिए कितने अच्छे से हमारा मोइन। अब हम इसको पानी के साथ गूंदेंगे, यानी इसमें आधा गिलास के लगभग पानी चला जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आटा लग चुका है। ये देखिए, हमें ये आटा ऐसे ही रखना है। ये देखिए, हमारे आटे में कितने अच्छे से मोइन हुआ है, कितने अच्छे से इसमें क्रिस्पी बना है। देखिए, बस हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। फिर अब हम 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट करने रखेंगे, फिर इसके बाद हम बनाएंगे मठरी। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया। अब आप लोई अपने हिसाब से इसमें बना लीजिए, छोटा बड़ा लोया आपको जैसा भी चाहिए। मैं थोड़ा बड़ा लोया लेना है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये देखिए, हम इसमें तेल की जरूरत नहीं क्योंकि हमने मोइनी बहुत अच्छा डला है, तो बस हमें इसको बेलना है। तो मैं इसको ट्रायंगल शेप में कट कर, मैं इसको ट्रायंगल शेप में कर दूं। आप इसको जैसे चाहे, देखिए मैंने तेल गरम चढ़ा, ये मेरा तेल गरम हो गया। देखिए, ऊपर एयर आने लगी। गैस की आंच को हमें मीडियम रखना है, न तो ज्यादा लो रखना है न ज्यादा हाई रखना है। ये देखिए, हमारा तेल अच्छे से गरम हो चुका है।
हम एक इसमें डाल के देखते हैं पहले। ये देखिए हमें ऐसे इलायची, देखिए हमारा तेल गर्म हो गया। हम इसको ऐसे डालेंगे ताकि हमारा तेल छलके। ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया, मैंने गैस की आंच को धीमी करके रखा। लिया कुर्सी लिया देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गई हमारी मछली। कितनी क्रिस्पी हमारी। ये देखिए मैंने मटर कितनी